आपका बिजनेस लॉ का नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 2019। हमारे पास इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 2019 में दोबारा से अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के पीछे का भी हमारी इकोनॉमी में रहे जो कंज्यूमर्स होते थे, जो सामान लेते थे, उनको सामान के प्रति बाई दबे कोई गलत चीज़ मिल गई या मंगवाया कुछ और निकला कुछ और, उन सभी लोगों को एक प्रोटेक्शन मिल सके कि वो बायर सेलर के खिलाफ केस लगा सकें या जो उनके नुकसान हुए उन पे रेमेडीज ले सकें, उन सभी चीज़ों की भरपाई के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। अभी बात करते हैं भी कंज्यूमर, कंज्यूमर पता है कौन होता है? जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल एग्जाम्पल आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आप कंज्यूमर्स ही होंगे। बहुत पहले जो हमारे पास ये एक्ट पहले से भी बना हुआ था, क्योंकि ये नहीं कि हमने एक्ट अकॉर्डिंग पहले भी एक्ट पास था, लेकिन 2019 में इस एक्ट को पास किया गया, दोबारा से अपडेट किया गया। इसमें इन्होंने ये सेटअप किया गया कंज्यूमर हु बाय द गुड्स, जो गुड्स को खरीदता है वो कंज्यूमर्स होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हु बाय द गुड्स टू कंज्यूम, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए गुड्स खरीदता है, या फिर कंप्लीट देयर सेटिस्फेक्शन, अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए गुड्स को खरीदता है, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। इस कंज्यूमर एक्ट में पहले था सिर्फ रिटेल मार्केटिंग को कवर करता था, लेकिन इन कंज्यूमर एक्ट में आज के टाइम में जो ई कॉमर्स चल रहा है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह चल रही है, उसको भी कवर किया गया। टेली शॉपिंग, आप लोग फ़ोन पर मोबाइल शॉपिंग जो कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो आप डायरेक्ट मार्केट में जाकर सामान खरीदते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग किसी और तरीके से भी आपके पास हो रही है, जिस तरह से मर्जी आप सामान खरीद रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को जो सेल के अंदर आ रहे हैं उन सभी चीज़ों को इस एक्ट के अंदर कवर किया गया। कोई भी अनअवॉइडेबल या फिर पेंडिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स थी, जो कैसे बहुत लोगों ने जैसे केस लगाए होते हैं कि हमने कभी झगड़ा हुआ या कुछ हुआ पैसे नहीं मिले, उन सभी चीज़ों को इसमें कवर किया जाएगा ताकि टाइम पर उन चीज़ों का सोल्यूशन हो। कोई भी बंदा अगर कंप्लेंट लगाना चाहता है तो कंप्लेनर बन के पहले अपनी केस जो है सीधा अपने सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वहाँ पर लगा सकता है। बाई द वे सोल्यूशन नहीं हो रहा तो स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद स्टेट कोर्ट में जाएगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट में सोल्यूशन नहीं हो रहा तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जाके भी केस लगा सकते हैं। फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले ई कॉमर्स डार्क सेलिंग आर इंक्लूडिंग, ऑनलाइन सेलिंग हो रही है या फिर डायरेक्ट सेलिंग है, ये सारा कुछ इस एक्ट में इंक्लूड किया गया, क्योंकि पहले एक्ट में ये कुछ इंक्लूड नहीं था। अगर ऑनलाइन सामान मंगा रहे हो उसमें होता था कि जो निकला वो आपका, कंज्यूमर को बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी, मंगाते थे फोन निकलता था पत्थर, ईट में इसको मारोगे इसका सर पे फोड़ दो, तो ये भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब इस चीज़ का स्पेशल सोल्यूशन हो गया है। तो कंपनीज भी इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि जो सामान आपने मंगवाया अगर वैसा नहीं निकला तो उसको आप वापस कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी सेटअप की गई। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये अथॉरिटी जो काम कर रही थी उनका मेन मकसद था कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर मार्केट में एडवर्टाइजमेंट भी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट उनके फेवर वाला है या नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट के बिना कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा, इस एक्ट का मीनिंग ये भी रखा गया। ये तो अथॉरिटी एक एक्ट में पास की गई 2020 में, जुलाई 2024 में 2020 में सेटअप की गई। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट लेबिलिटी प्रोविजन प्रपोज्ड, इस एक्ट में ये भी पास किया गया अगर किसी पर्सन को गलत प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसमें ये प्रोविजन रखी गई थी कि नया प्रोडक्ट उसको देने की जिम्मेवारी भी कंपनी की ही होगी, ये इसलिए भी पास किया गया। उसके बाद प्रोहिबिशन एंड पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी गलत एडवर्टाइजमेंट्स या फिर मिसलीडिंग बताते कुछ और निकलना कुछ और, इन चीज़ों को रोका गया इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर बाय द वे कोई बंदे फिर भी ऐसी गड़बड़ हो रही है तो उनके खिलाफ केस का प्रावधान रखा गया। कंपनीज गलत एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती हैं, मीन्स आप पता लगे जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती थी ना, जैसे पहले मार्केट में चीज़ बोलते थे कि ये तेल लगाओगे तो बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, भाई उसका घर वाला तो खुद गंदा है तो उसके ऊपर तेल में बाल नहीं आए, तो गलत एडवर्टाइजमेंट मार्केट में नहीं चलेगी। तो उन चीज़ों को उन्होंने सेटअप किया कि आप लोग प्रोडक्ट वही बेचिए जो इनको जेन्युइन लगता है, एक्चुअल बंदे को बेनिफिट नज़र आए, आपके पास प्रैक्टिकल उसके सारे कोई ना कोई रिजल्ट्स होंगे तो आप मार्केट में प्रोडक्ट सेल कीजिए, विदाउट रिजल्ट्स विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल आप प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, मीन्स फेक एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होंगी। वैसे तो एडवर्टाइजमेंट सही करते हैं लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, कोई भी बंदा अगर मान लो किसी भी बंदे का केस पेंडिंग है तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन कमीशन सेटअप कर दिया। जैसे कि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हेल्प नहीं हुआ तो सीधा आप लोग हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में हेल्प नहीं होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस लगा सकते हैं। जब भी कोई बंदा इस केस को स्टार्ट करेगा तो मीन्स उसके पास मिसलीडिंग के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि एक्चुअल में उसके साथ कोई मिसलीडिंग हुई हुई है। प्रोविजन फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूशन, इस एक्ट में ये भी सेटअप किया गया, बाय द वे कंपनी चाहे कि डायरेक्ट उनको केस के चक्कर में नहीं पड़ना तो आप इजिली बेस पे कस्टमर के साथ मिलजुल के अपना केस रफा दफा भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बंदों को जेन्युइन प्रोडक्ट ही दिए जाने चाहिए।
ई फिलिंग कंप्लेंट्स, पहले होता था कि आपको कंप्लेंट करने के लिए स्पेशल जाना पड़ता था, आजकल जाने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑनलाइन घर बैठे ही कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई साइबर क्राइम हो, जो साइबर क्राइम की वेबसाइट बन गई है, मोबाइल गुम हुआ है, व्हीकल गुम हुआ है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट बन गई है, नहीं तो MCA government.in पे जाके आप लोग कोई भी इसी प्रकार की कंप्लेंट्स डाल सकते हैं किसी भी कंपनी के खिलाफ। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपके पास उसका स्पेशल इन्वॉइस होना चाहिए जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है। अगर कोई आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई प्रोडक्ट से या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट मिला, तो आप लोग ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्पेशल इन्वॉइस होंगे, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है घर बैठे किसी भी कंपनी को केस कर दें और आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आपको भी जुर्माने देने पड़ सकते हैं। फिर आती है डेफिनेशन, दो दो नंबर में पूछा जा सकता है। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होगा? वो जो बंदा गुड्स खरीदता है फॉर कंसिडरेशन पेड, जिस मतलब गुड्स खरीदने के लिए जो बंदा पैसे देता है उस बंदे को कंज्यूमर बोलेंगे। उसके बाद कंप्लेनेंट, वो कंज्यूमर जिसको गुड्स में कोई फॉल्ट नज़र आता है और वो जो बंदा बंदा कंप्लेंट फाइल करता है उसको कंप्लेनेंट बोला जाता है। थर्ड आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से काम जो है सेलिंग में नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स, रॉन्ग प्राइस, रॉन्ग प्रोडक्ट, आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में सेल नहीं करेंगे। इस एक्ट में ये चीज़ भी सेटअप किया गया। सर्विस, सर्विस का मीनिंग इस एक्ट में ये भी सेट किया गया कि जो प्रोडक्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिखा रहे हैं, मीन जो चीज़ आप किसी बंदे को दिखा रहे हो वही चीज़ बंदे को मिले, प्लस अगर वारंटी की जरूरत है 1 ईयर, 20, 2 ईयर, 25 ईयर, 20, अगर आफ्टर सेल प्रोडक्ट को सर्विस देने की जरूरत है तो वो सेल भी इसमें दी जाए। प्रोडक्ट लायबिलिटी, कंपनी की प्रोडक्ट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलती है? जेनुइन और फेयर प्रोडक्ट कम कीमत में या फिर जेनुइन कीमत के कस्टमर को प्रोवाइड करना, ये कंपनी की लायबिलिटीज है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आएगा उसका कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पता नहीं कहाँ से प्रोडक्ट लाया, किसी को बेच दिया, ये रूल कभी भी पास नहीं होता। कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को बेच रही है तो उसके पीछे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर का होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? वो प्रोड्यूस गुड्स फॉर दी कंज्यूमर। उसके बाद प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सेलर मीन्स मैन्युफैक्चरर पर्सन ही सेलर होता है। पेज नंबर 158, सेलर कौन होगा? जो बंदा प्रोडक्ट बना रहा है मैन्युफैक्चरर, वही सेलर माना जाएगा। उसके बाद लेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सेलर की लेबिलिटी क्या बनती है? बाई द वे प्रोडक्ट जो है गलत हो जाए तो वो नया प्रोडक्ट कस्टमर को देगा, रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट की है उसके प्रति जो मुआवजा बनता होगा वो भी कस्टमर को देगा। अगर प्रोडक्ट आपने सही किया उसमें वारंटी बनती है तो प्रोडक्ट की वारंटी देने की लेबिलिटी भी प्रोडक्ट सेलर की ही होती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी बंदे को धोखा करना, मिस रिप्रेजेंटेशन करना, कॉर्शन करना जिसको धमकाना, अंडर इन्फ्लुएंस करना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, ये सब कुछ जो है अनट्रेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। उसके बाद आपके पास और दो नंबर की डेफिनेशन उन्होंने पूछी है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, जो सर्विसेज देनी चाहिए थी उसमें कमी मिल जाए उसको बोलते हैं आफ्टर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी सर्विसेज देने की जरूरत थी अगर कंपनी उसमें फेल होती है तो उसको बोलेंगे कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। फिर आता है डिफेक्ट, आपके प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट निकल गया, मीन्स प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, जब प्रोडक्ट का आपने मैनुफैक्चरिंग डेट डाली ही नहीं है, इस सभी चीज़ों को आप लोग प्रोडक्ट का डिफेक्ट मान सकते हैं। प्रोडक्ट जेनुइन में जो चीज़ होनी चाहिए थी एक्चुअल में वो चीज़ मिली ही नहीं है तो ये भी डिफेक्ट माना जाएगा, इसके पीछे भी कंपनी ही जिम्मेवार मानी जाती है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट सेल करना इसको बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट जो भी है जेनुइन बेस पर अगर बताया जाए कि उसका बेनिफिट नुकसान क्या है तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ बोल दें कि आपको बहुत बेनिफिट होगा लेकिन एक्चुअल में बंदा को बेनिफिट नहीं मिलता तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे। जैसे कि अगर कंपनी बोलेगी ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप कम गोरे हो जाएंगे, कम गोरे समझते हो थोड़े काले हो जाएंगे, तो भाई वैसा भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, मीन्स जेनुइन होना चाहिए। मीन जो चीज़ आप बोल रहे हो तो उसको बोलेंगे, इसमें कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं इसको ई कॉमर्स बोला जाएगा। टेली शॉपिंग हो सकता है इसमें, रिटेल शॉपिंग हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर जो बंदे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंपनियों के पास भी आजकल कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के लिए कस्टमर केयर रखा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई प्रॉब्लम आई आप कंपनी के कस्टमर केयर पर नंबर लगाइए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपको सेटिस्फाइड करने की जरूर कोशिश उसमें करते हैं। ई कॉमर्स एंटिटी, ई कॉमर्स एंटिटी जो कंपनीज आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रही हैं उसको ई कॉमर्स एंटिटी बोला जाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारी कंपनीज जो आजकल ई कॉमर्स एंटिटी ही हैं। ड्यूटीज ऑफ ई कॉमर्स एंटिटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटीज,
जो भी ये ई कॉमर्स में कंपनीज काम कर रही हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा मैंने बोल रहे हैं, इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और इनकी क्या लेबिलिटीज बनती है मार्केट में, इनकी ड्यूटीज क्या हैं, वही पॉइंट पीछे वाले लिखने हैं आपने। इन्होंने दो छोटे से पैरे में लिखे हैं, आप हेडिंग बना लेंगे। जेन्युइन प्रोडक्ट देना, फेयर प्रोडक्ट देना, बेस्ट प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट देना, रिमूव मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, कस्टमर को रेड्रेसल प्रोवाइड करना, अगर किसी बंदे को भी नुकसान हुआ है तो उसको आप लोग सहायता भी जरूर करेंगे, रॉन्ग प्रोडक्ट आया तो उसके बजाय कोई जेन्युइन प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट उसको रिप्लेस करके भी देंगे। ये किसी भी कंपनी की ड्यूटीज भी हैं और उसकी लाइबिलिटीज भी हैं, मीन्स आप किसी भी कस्टमर को धोखाधड़ी नहीं कर सकते, मीन्स अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं ले सकते, मिसलीड नहीं कर सकते, फॉल्स प्रोडक्ट जो है सेल नहीं कर सकते। रूल नंबर 5 इस कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट का यही बोलता है कि कस्टमर के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना करना, ये कंपनी की ड्यूटीज़ हैं। अगर कोई भी कस्टमर आपके खिलाफ केस लगाएगा तो आपको उस केस के ऊपर जो मुआवजे बनते होंगे वो फिर देने ही पड़ते हैं। राइट ऑफ ए कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होता है, मान लीजिए आपने गुड्स खरीदे तो आप कंज्यूमर हैं, या फिर मैंने गुड्स खरीदा मैं कंज्यूमर हूँ, तो मेरे राइट्स क्या होंगे? राइट टू बी प्रोटेक्टेड, मेरा एक राइट है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जो प्रोडक्ट मैंने जिस बेस पे खरीदा, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई, जो कुछ फाइंड करने के बाद आपकी तरफ जो एडवर्टाइजमेंट जो देखने के बाद भी मुझे प्रोडक्ट रॉन्ग मिल रहा है, तो उस टाइम पे मुझे प्रोटेक्शन मिलने की जिम्मेवारी मेरा हर हक है, मैं उसके लिए केस लगा सकता हूँ कि मैंने जो चीज़ मांगी है मुझे वही चीज़ ही मिलनी चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल किसी केस की दी हुई, आप केस हिंदुस्तान यूनिलीवर का पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने का राइट भी मेरे पास है। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकते हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हम बोले कि मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन दो पहले, तो हमें वो डिस्क्रिप्शन पहले ही मिल जाएंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी उसकी कॉपीज अगर आपको मिलती है आप लेके उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। राइट टू चूज, कोई भी कंपनी डायरेक्ट आपके ऊपर बर्डन डाल के आपको केस प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकती, आपका खुद का एक राइट है कि कोई मर्जी प्रोडक्ट, ई कॉमर्स चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, आप मार्केट में जाके खुद जो मर्जी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कोई भी पर्सन आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। हाँ, सामने वाला पर्सन आपको अपने अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन डिसाइड आपने करना होगा कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदना है। राइट टू बी हेयर्ड, ये भी आपका एक राइट है कि आपने अगर कोई शिकायतें लगाई हैं तो आपकी शिकायतों की सुनवाई हो। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दोबारा से अमेंडमेंट किया गया कि जो लोग शिकायतें लगाते थे पहले, 20 लाख का 25-25 लाख लोगों की शिकायतें पेंडिंग रह जाती थी, लेकिन आज के टाइम में इसके थ्रू सेटअप किया गया। राइट टू बी रेड्रेसर, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका मुआवजा मिलना, ये भी इस एक्ट के अंदर सेटअप किया गया कि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो धोखाधड़ी में आपको कोई बेनिफिट मिल सके। राइट टू एजुकेशन, आपने जो प्रोडक्ट किया है अगर उसकी प्रॉपर स्टडी भी करनी है तो आपको एक राइट होता है कि आप उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट कैसे बना, कौन कौन सी लैब से टेस्ट हुआ, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट पास किया, आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़रूरी कंपनी ये नहीं बोलेगी ये हमारे फॉर्मूले हम क्यों बताएं, कल को आपने शुरू कर लो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप केस लगाएंगे, कंपनी अगर प्रूफ करने के लिए आपको बोले कि आपको स्टडी कर लो, ऐसे प्रोडक्ट ऐसे बनाऊंगा, आप स्टडी भी आप कर सकते हैं, ये उसका राइट है आपका। फिर है मैनर ऑफ लॉजिंग ए कंप्लेंट, अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के खिलाफ केस लगाना चाहता है तो उसके मैनर्स होने चाहिए। मैं सबसे पहले कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले आपको एक कंप्लेंट सेटअप करनी होती है। कंप्लेंट जो है लीगल नोटिस जो है, आप सब्जेक्टिव मैटर लिख के जो भी आपको प्रॉब्लम आई है आप कोर्ट में लगा सकते हैं, और उसका जो केस का जो नोटिस होगा वो एज पर कोर्ट के थ्रू जिस कंपनी ने आपने केस लगाया उसके पास वो नोटिस पहुंच जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर जिस बंदे ने आपने सर्विसेज दी थी वो आपको सर्विस देने में फेल हो रहा है, आपने केस भी लगा दिया फिर भी फेल हो रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट आके केस जो है सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट में ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा कि 2 ईयर के अंदर अंदर कंप्लेंट करना होना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा आप 10 साल के बाद उसके ऊपर केस करने आएंगे, 2 साल के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअली प्रोडक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम्स आई हैं तो आप कंप्लेंट लगा सकते हैं। कंप्लेंट में भी उन्होंने कमीशन सेटअप किए हुए हैं, अगर आपकी कंप्लेंट 1 करोड़ तक के लिए मुआवजे तक के लिए तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जैसे जिला कचहरी होती है वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपका केस 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो आप लोग स्टेट कोर्ट में लगा सकते हैं, जैसे कि हर एक स्टेट की, जैसे हमारे स्टेट की पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। बाई दावे आपको लगता है कि आपका केस 10 करोड़ से ज़्यादा का है, बहुत सारे नुकसान उसमें हुए हैं लोगों के, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं, जिसको नेशनल केस कमीशन भी बोला जाता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशनल कमीशन, हमारी इकोनॉमी में जो कौन कौन सी संस्थान बनी हुई हैं झगड़े को सोल्व करवाने के लिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होती है हमारी इकोनॉमी में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही सेटअप की जाती है। मान लो हमारी इकोनॉमी जैसे पंजाब स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट है वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेटलमेंट करेगी किन किन बंदों को हायर करना है, जैसे गवर्नर होंगे, रजिस्टर पर्सन होंगे, तो
तो बंदे आपके लिए काम करेंगे। जब भी कोई इस तरह की संस्था में होगा तो इसमें मिनिमम एक प्रेसिडेंट होता है और दो मेंबर होते हैं, उन मेंबर में से एक फीमेल भी साथ में होती है इस तरह की संस्था में, क्योंकि हम बोलें कि कल को वुमेन्स का प्रॉब्लम आई तो वो सीधा लेडीज के पे जाके बात भी कर सकती है। ज्यूरिडिक्शन क्या है, इस तरह की कोर्ट में डिस्प्यूट जो है 1 करोड़ या फिर उससे कम अमाउंट तक का झगड़ा जो इस कोर्ट में सॉल्व होता है। कौन कौन बंदा केस लगा सकता है, कोई भी कंप्लेनेंट जिसको धोखाधड़ी हुई हो केस लगा सकता है। कंज्यूमर की एसोसिएशन भी लगा सकती है, मान लो एक एरिया के सब लोग इकट्ठे होकर भी केस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जरूर नहीं था कि सिंगल पर्सन ही लगाएगा। जब भी आपने केस लगानी है तो 21 दिन के अंदर अंदर आज केस लगा रहे हैं, 21 दिन के अंदर अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है कंज्यूमर कोर्ट के पास पहुंचाने होते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर जो भी अपोजिट पार्टी है वो भी डिफाइन करने होती है किसके ऊपर आप केस लगाने जा रहे हैं। बाई द वे, अगर आपका केस लगातार चला आ रहा है उसके ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर 45 डेज के अंदर ये कमीशन की जिम्मेवारी भी 45 दिन के अंदर अंदर इसको सॉल्व कराने का काम है। बाई द वे, अगर आपकी कंप्लेंट 45 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन नहीं हो रहा तो अपना केस उठा के सीधा स्टेट कमीशन में भी ले जा सकते हैं। स्टेट कमीशन में क्या होता है कि एक प्रेजिडेंट होता है, 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर में से 1 फीमेल तो होना है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, नहीं हम 2 भी कर सकते हैं 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक मिनिमम फीमेल उस संस्था में भी मेंबर होती ही होती है। कोई भी पार्टी अगर 45 दिन में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर आप वहाँ पर भी अपना केस लगा सकते हैं। अगर नेक्स्ट 60 डेज में आपको वहाँ पर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब 2 महीने के अंदर, तो आप अपना केस उठा के सीधा कहाँ ले जाएंगे, नेशनल कमीशन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो केस तो सीधा लगते हैं कि अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का आपको नुकसान कुछ हुआ है तो केस लगाएंगे। बाई द वे कंडीशन ऐसा है कि नीचे वाली अदालतों से आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आपको लगता है कि आप सही हैं तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमेशा आपके लिए काम करेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते होंगे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे वाली कोर्ट नहीं करती है, नीचे वाली कोर्ट को जैसे जैसे प्रूफ मिलेंगे ओके हम चल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लास्ट में जाके सोल्यूशन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोल्यूशन कर दिया कि कंपनी की गलती नहीं है तो आपको भी फिर मानना ही पड़ता है। अगर वो बोल दें कंपनी गलती है तो कंपनी मुआवजा देगी तो आपको मुआवजा जरूर मिलता है, 100% उसमें मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। ये थी आपकी छोटी छोटी संस्थान, वैसे तो बहुत बड़ा 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 के उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप वो पॉइंट याद रख लीजिए, पहली संस्था है उसमें 45 दिन के अंदर सोल्यूशन होता ही है, नहीं हो रहा तो फर्दर 60 डेज के अंदर आप हाईकोर्ट चले जाएंगे स्टेट कोर्ट में। 60 दिन के अंदर आपका सोल्यूशन नहीं हुआ, आज आपने केस लगा लिया, अगले 2 महीने आपको सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अदरवाइज हमें सुनवाई स्टार्ट होगी है 2 साल के अंदर अंदर वो केस खत्म होने की जिम्मेवारी है। वैसे तो अभी गवर्नमेंट ने नए कानून पास किए हैं तो उसमें और भी कुछ नया सेटअप कर दिया कि 3 महीने के अंदर या फिर 90 दिन के अंदर अंदर आपको केस खत्म करना जरूरी है, पेंडिंग नहीं रख सकते। फिर भी आपका केस आगे चल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी सीधा जा सकते हैं, कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हमारा जो केस चल रहा है इस तरीके से चल रहा है, तो काम इस तरीके से भी कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो वो ख़त्म। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछने वाले तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट टू रिड्रेसल, आपका कोई भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाने की, भरपाई लेने की राइट भी आपके पास होता है, कंपनी उसकी भरपाई जरूर करेगी एक्चुअल में आपका कोई नुकसान हुआ तो। अदरवाइज ऐसा नहीं, अभी आपको कोई बेनिफिट, आप लोगों के चक्कर में आगे केस लगा दिया तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको जुर्माना भी पड़ जाए, लेकिन नुकसान हुआ है तो आपके पास एक राइट होता है रिड्रेसल का कि आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप लोग करवा सकते हैं। बिजनेस लॉ की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट एक्ट आपके पास जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को पास किया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले बात करें भी होते क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भी जब आप किसी बंदे को डायरेक्ट कैश नहीं देते हैं, बाद में किसी बंदे को कैश पे करना हो, कैश की जगह पे जब आप किसी को कोई रिटर्न नोटिस किसी बंदे को दे देते हो या फिर रिटर्न एक एफ सब हम ऐसा बोल सकते हैं प्रूफ किसी बंदे को दे देते हो, उन चीज़ों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसमें आ जाते हैं आपके पास प्रोमिसरी नोट्स, जो आपके पास बैंक के चेक होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपके प्रोमिसरी नोट्स एक तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें आपको कैश देने की जरूरत नहीं होती, कैश आप बाद में ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो आज आप किसी को चेक इशू कर दोगे, आज आपने किसी को चेक दे दिया, मतलब उसको तो होता है कि मुझे चेक मिल गया, मुझे पैसे मिल गए, लेकिन क्या आपने उसको हार्ड कैश तो नहीं दिया? वो हार्ड कैश कब मिलेगा, जो आप तारीख उसके ऊपर डालोगे वो चेक बंदा बैंक में लगाएगा, फिर उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे जब वो कैश कैश निकलवा लेगा। सेम कंपनियों में ऐसा होता है कि प्रोमिसरी नोट इशू कर देते हैं, प्रोमिसरी नोट साल के लिए, 2 साल महीनों के लिए ऐसे इशू कर दिए जाते हैं। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। गवर्नमेंट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी चेंजेस किए, पहले होता था कि लोग किसी को भी कोई चेक साइन करके दे देते थे,
कोई भी अमाउंट भर के दे देते भी आप ये चेक पास कर लेना, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस कर दिया, अगर कोई बंदा किसी बंदे को भी चेक ऐसे इशू कर रहा है या प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है, बाद में जो उसकी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो उस बंदे के ऊपर केस होगा ही होगा। जैसे मान लो आपने किसी को चेक इशू कर दिया, वैसे ही भर के दे दिया 1 लाख रुपये, तारीख डाल दी आने वाली 10 तारीख, बंदा 10 तारीख को चेक लगा रहा है, पास नहीं हुआ, दोबारा फिर चेक लगा देगा, पास नहीं हुआ। अगर 2 या 3 बार आपका चेक रिजेक्ट हो जाए तो बंदा केस लगा सकता है आपके ऊपर। फिर आपको ना चाहते हुए भी जो बंदे के नुकसान हुए हैं, प्लस उसका जो टाइम खराब हुआ, जो इंटरेस्ट अमाउंट बनती है, वो सारी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसने आपको मिसलीड किया है, जानबूझ के पैसे दिए नहीं और आपको एक प्रूफ दे दिया कि आप इस चेक को यूज़ कर लीजिए, वो चेक आपके किसी काम भी नहीं आया, तो आप केस भी लगा सकते हैं। मीन्स पहले तो कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें सेटअप कर दिया कि अगर आप बाई द वे किसी बंदे को प्रॉमिसरी नोट, चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहे हो, तो उस चीज़ में क्लियर होना चाहिए कि किस तारीख को आपने वो चेक इशू किया और कितने तारीख को। उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 3 महीने भी उन्होंने बता दी कि चेक 3 महीने की वैलिडिटी वाले, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोलूँ कि आज किसी को चेक इशू करोगे 3 महीने के लिए वैलिड है, अगर 3 महीने में चेक पास नहीं होता तो हम बंदा उठा के केस में लगा सकता है कोर्ट में कि मैंने 2-3 बार चेक लगाया, पास नहीं हुआ, मेरे पास उसके प्रूफ भी है, मेरा खर्चा भी लगा और उस बंदे ने मुझे मिसलीड किया है, तो बंदे के खिलाफ केस भी लग जाएगा। जो पार्टी अपोजिशन वाली होगी जिसके ऊपर हमने केस लगाया, उसको फिर मुआवजे देने ही पड़ते हैं, बल्कि उसके टाइम पे जो कोर्ट भी डिसाइड कर लेगी कि आपका जो मुआवजा बनता है वो आपको देने पड़ेंगे। फीचर्स क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के? ट्रांसफरेबिलिटी। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। आपने आज किसी को इशू कर दिया, वो बंदा आपने आपने अपना पैसा किसी को ट्रांसफर करना है उससे कर सकते हैं, मीन्स हार्ड कैश देने की जरूरत नहीं होती। मस्ट बी इन राइटिंग। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिटर्न केस में होने चाहिए, मतलब आप किसी को एक्सप्रेस करके जब बोल कर नहीं बोल सकते कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी सर्टेन। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में टाइम का होना जरूरी है, किस टाइम पर पेमेंट्स मिलेंगी। पे आल्सो मस्ट बी सर्ट, पे आल्सो मस्ट बी सर्ट, जिस बंदे को दिया। इसमें बंदा होता है कि पेयर एक होते पे, पे एक होते थे जर्मन था जिसके फेवर में आपने बनाया है, उसका नाम उसके ऊपर होना जरूरी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कोई भी, जैसे एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि पार्टीज वैसे मिलकर इसमें 3 होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। ड्रॉयर क्या होगा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कंपनी का ओनर मान लीजिए, ड्रॉई क्या हो गया, मान लो आप एम्प्लॉय मान लीजिए, ओनर अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो क्या कर देता है, अभी चेक इशू कर दिया उसने। ये चेक कहाँ से पैसा मिलेगा, जो बीच में पर्सन आता है वो कौन आता है, बैंक, जिसको क्या बोला जाएगा, पे। जब भी प्रोमिसरी नोट इशू किया जाएगा या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाएगा या फिर चेक इशू किया जाएगा, उसमें पे भी क्लियर होना चाहिए कि आपने जो चीज़ इशू की है उसमें पैसे कौन देगा। अगर आपने चेक इशू किया जिस बैंक का वो चेक होगा, मतलब कि वो पे ही बैंक हो जाएगा, ठीक है जी, पे ही कौन होगा, वो बैंक हो जाएगा। पैसे लेने वाला कौन है, ड्रॉई, और देने वाला कौन है, ड्रॉयर, मतलब कि ओनर। पॉइंट क्लियर हो गया तीनों कंडीशन में। चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी इकोनॉमी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट। प्रोमिसी नोट्स जो है एक रिटर्न फॉर्म में होते हैं, अनक्वालिफाइड होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं। कोई भी कंपनीज जिसकी नेट टर्नओवर 5 करोड़ की, नेट टर्नओवर, नेट सॉरी टेंजिबल एसेट्स जो है 5 करोड़ की हों, कोई भी कंपनी जितना मर्जी बिजनेस कर रही हो करोड़ों में, लेकिन अगर उनके पास 5 करोड़ के टेंजिबल एसेट्स अवेलेबल हैं तो वो प्रोमिसी नोट इशू कर सकते हैं। प्रोमिसी नोट मीन्स अपनी तरफ से उनके पास एक परफॉर्मा बनाया होगा, आपके पास पेज नंबर पे दिखाया भी गया है 174 के ऊपर, अमाउंट लिखी गई, टाइम लिखा गया, उसके बाद लिखा गया कि ये पैसा जो है कितने टाइम पे आपको पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, या कंपनी देगी, सब कुछ लिख देते हैं। कंपनी उसके रिटर्न में लिख के देते हैं कि ये पैसा आपको आने वाली 3 तारीख को विद इंटरेस्ट इतना पैसा आपको मिल जाएगा, तो उसको प्रोमिसी नोट होते हैं। इस प्रोमिसी नोट में मतलब पार्टीज क्या होंगी, 3 पार्टीज होंगी, मेकर, सॉरी प्रोमिसी नोट में 2 ही पार्टीज होती है, मेकर और पेई। मेकर कौन होगा, बनाने वाला, जिसको पैसे दिए गए वो, लेने वाला होगा उसको पे ही बोला जाएगा, वो बंदा पैसे लेने वाला है, ठीक है जी। क्योंकि इसमें बैंक नहीं होता, प्रॉमिसरी नोट में कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको पैसे इतने टाइम बाद दे देंगे। जैसे आपने मान लो कंपनी के शेयर में पैसे लगा दिए, तो कंपनी सर्टिफिकेट बना के देगी ना, उसके ऊपर लिख देगी कि आपको पैसे जो है इस पे आपको ये सिक्योरिटी भी मिल रही है, भाई हमने पैसे ना दिए तो आपको ये एसेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये प्रॉमिसरी नोट जब भी इशू होंगे इन राइटिंग होंगे, ओरल कभी नहीं होते। उसके बाद मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। इसमें ये चीज़ भी क्लियर किया जाना चाहिए कि पैसा किस तरीके से आपको दिया जाएगा, बाय कैश, बाय बैंक, या किसी एसेट्स के तरीके। एग्जांपल लिखा हुआ है
I promise to Johnny an order of 5,000. I acknowledge that indebted Johnny sum of 10,000 which is payable on demand on value received. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जॉनी को 5,000 रुपये देने हैं, अगर डिमांड इसमें हो तो जॉनी मेरे से, जो जॉनी पर्सन है वो 10,000 तक का पैसा भी मेरे से ले सकता है। मिस्टर जॉनी, आई ओ सम ऑफ 10,000, आई प्रॉमिस टू पे जॉनी। इसमें पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, अगर आपने जॉनी से पैसा लिया है तो आप उसको पैसे देंगे विद इंटरेस्ट देंगे, वो तारीख क्लियर करेंगे किस टाइम पर कैसे पैसे देंगे, तो सब कुछ उसमें क्लियर होने चाहिए। जब भी प्रोमिस नोट इशू होंगे डेफिनेट और अनकंडीशनल प्रोमिस होनी चाहिए। जब भी ये प्रोमिस नोट इशू करेगी कोई कंपनी उसमें डेफिनेट टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर आप मान लो आज मैं बोलूँ कि आने वाली 10-15 तारीख को जॉनी को पैसे वापस कर दिए जाएंगे, वो डेफिनेट है और अनकंडीशनल, आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते। अगर जॉनी मेरे पास बाइक से आएगा तो पैसे दूंगा, या जॉनी कार लेके आएगा तो पैसे लूंगा, या जॉनी 10-15 बंदे बुला के लेके आएगा तो पैसे दूंगा, इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रख सकते। जब जॉनी के फादर मदर आएंगे तो पैसे दिए जाएंगे, ऐसी कंडीशन नहीं होगी, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। जॉनी जिस तरीके से मर्जी आए, चाहे घर बैठे आपसे पैसे मांगे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसमें कोई कंडीशन कंपनी नहीं डाल सकती। दी मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। बनाने वाला और पैसे लेने वाला डेफिनेट पर्सन होना चाहिए, मीन्स वो जिंदा होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कोई भी बंदा बना देगा, कोई भी बंदा पैसे ले लेगा, ये कभी नहीं हो सकता। बनाने वाले का नाम भी क्लियर होना चाहिए और पैसे लेने वाले का नाम भी क्लियर होना चाहिए, दोनों पार्टी सर्टेन होनी चाहिए मीन्स जिंदा होनी चाहिए। स्टैंपिंग, प्रोमिसिंग नोट के ऊपर स्टैंपिंग का होना जरूरी भी है। जो कंपनी कोई भी इशू कर रही है उसके अपनी एक ऑफिशियल स्टैंप होती है, वो उसके ऊपर जरूर लगाएगी, उसके ऊपर डायरेक्टर के साइन होने भी जरूरी है, ताकि कल को कंपनी ना बोले कि हमने नहीं इशू किया। कंपनी के लेटर पैड के ऊपर ही प्रोमिसिंग नोट इशू होते हैं। फिर हमारे पास आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर्स होंगे साइंड बाय द मेकर। जो पार्टीज अनकंडीशनल नोट को बनाएगी या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगी उसमें एक पार्टी साइन करती है विद द इंस्ट्रूमेंट्स मेकर डायरेक्ट एट सर्टेन पर्सन टू सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली द आफ्टर द पर्सन ऑफ टू बियर द इंस्ट्रूमेंट्स। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब चेक, चेक जब भी बनाया जाएगा उस चेक को बनाने वाली पार्टी मेकर होगी, जो उसके ऊपर साइन करेगी, उसके ऊपर बिल्कुल कंडीशन क्लियर करेगी इन सर्टेन किस बंदे को देने हैं, किसी बंदे के खाते में जाने हैं। अगर आप उसके ऊपर लिख के नहीं, जैसे हम चेक देखा कभी आपने बैंक वाला, उसके ऊपर पहला लिखा आता है नेम का एक कॉलम होता है पे टू पे या फिर इन सर्टेन टू पे, उसके ऊपर नाम लिखना पड़ता है, नहीं तो आप सेल्फ भी लिख सकते हैं। अगर किसी बंदे के अकाउंट में डालना तो लाइन क्रॉसिंग करनी पड़ती है चेक के ऊपर। अगर आप बोलते हो कि बियरर चेक दे देंगे, चेक में कभी देख लेना नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिखा होता है ऑर्डर और बियरर। अगर आपने ऑर्डर को काट दिया है, बियरर लिख दिया गया, तो मतलब जिस बंदे का नाम लिखा गया है वो बंदा बैंक में जाके अपना प्रूफ देके पैसे ले सकता है। अगर आपने बियरर को काट दिया तो मतलब वो चेक बन जाता है ऑर्डर चेक, वो जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है वो चेक के पैसे उसको कैश में नहीं मिलेंगे, उसको अपने अकाउंट में वो चेक लगाना पड़ेगा। उसके नीचे अमाउंट लिखनी पड़ती है इन वर्ड्स, यहाँ पे कॉलम आना था जो आपको अमाउंट्स इन नंबर्स में लिखनी पड़ती है, नीचे यहाँ पे साइड में बंदे को अपने साइन करने पड़ते हैं। इस तरीके के चेक जो कंपनियाँ इशू करती हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाया जाएगा इसके फीचर्स इन लिखे हैं, इसमें कहते हैं रिटर्न नोट में होना चाहिए, इसमें पार्टीज भी मेंशन होनी चाहिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी को एड्रेस जरूर करेगी, कितने पैसे किस बंदे को देने हैं वो भी क्लियर होंगे, और टाइम भी अमाउंट इसमें क्लियर होना चाहिए कि आप किस बंदे को किस टाइम पर पैसे इशू करने जा रहे हो। चेक जब भी किसी बंदे को इशू होने वाले होंगे, इसमें चेक में इन्होंने ये भी लिखा है कि चेक की जो फॉर्म होगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगी या फिर ट्रंकेटेड चेक होगा। आज के टाइम में जो हमारे पास चेक सारे इशू हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले चेक ही इशू होते हैं। पहले होता था ट्रंकेटेड सिस्टम, पहले चेक बंदे को देते थे, बंदा बैंक में लगाता था, ब्रांच वाले आके लेके जाते थे ट्रंक में डाल के, फिर हेड ऑफिस जाता था वहाँ पे चेक सेग्रीगेट होते थे, फिर पास होने में 7-7, 8-8 दिन भी लग जाते। आज के टाइम में चेक जो आने लगे हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चेक आने लगे हैं, आप कभी भी चेक के नीचे लिख लेना चेक का नंबर, उसके पास कुछ वर्ड कोड वर्ड में चेक के डिटेल नंबर सब कुछ दिए होते हैं, वो स्कैन होकर चेक का पता लग जाता है भी चेक ओरिजिनल है या नहीं है। आजकल बैंक में हमने चेक लगाया, बैंक वाले क्या करेंगे स्कैन करके आगे आपका चेक भेज देंगे और दूसरी ब्रांच वेरीफाई कर लेगी, पैसे आपके खाते में अगले दिन ही पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। फीचर्स के हैं अनकंडीशनल ऑर्डर होते हैं, इसमें कंडीशन नहीं लिखी जाती चेक में। आप चेक में, मैं एग्जांपल बोलूँ कि चेक का आपने परफॉर्मा बना दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टू पे मिस्टर, वैसे तो नाम के आगे मिस्टर लगाते नहीं, अगर आपके प्रूफ के ऊपर मिस्टर है तो लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूँ कि शिवम, यहाँ पे अमाउंट लिख दी अमाउंट 10,000 ओनली, यहाँ पे लिखा जाएगा ऑर्डर और बियर। जो भी कंडीशन है, अगर आप मान लो बियर इसे यहाँ पे लाइन लगा दिया तो ये चेक क्या बन जाएगा ऑर्डर चेक।
अगर यहाँ पे काट दी तो बीरन में सीएम बैंक में जाके कैश में पैसे ले सकता है। इसमें आप 10,000 में ये लिख सकते हैं कि अगर ये बीमार होगा तो पैसे लेगा, ये कोई कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास 10,000 लिखा जाएगा, यहाँ पे आपके पास तारीख का कॉलम होता है जिसके ऊपर आपको तारीख डालनी होती है। यहाँ पे अगर लाइन लगा दोगे डबल तो मतलब होता है कि चाहे आपने काटा है चाहे नहीं काटा तो सीमों को अपने खाते में ही चेक लगाना पड़ेगा। अगर लाइन नहीं लगाई तो ये कंडीशन चालू हो जाती है। बीयर नहीं काटा गया तो बंदा खाते से पैसे ले सकता है डायरेक्ट, अगर बीयर काट दिया तो खाते में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टी को साइन भी करने पड़ते हैं और जो तारीख डालोगे उस तारीख को ही वो चेक लगता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तारीख आप कुछ भी बंदा अपनी तरफ से डाल लेगा। जब भी ये चेक इशू किया जाएगा इसका मैक्सिमम टाइम क्या होगा, 3 महीने। आज किसी को चेक इशू कर दिया आज की तारीख डाल के बंदा 3 महीने में कभी भी इशू करवा सकता है। उसके बाद ड्रोन एज ए स्पेसिफाइड बैंकर ओनली, ये भी क्लियर पता होना चाहिए जो उस बैंक का चेक इशू किया गया वो बैंक से ही पास होगा, किसी और बैंक में वो चेक पास नहीं होता। सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, इसमें अमाउंट जो है बिल्कुल क्लियर लिखनी जरूरी भी होती है। पे टू बी सर्टेन, जिस बैंक का आप चेक दे रहे हो वो भी क्लियर होना चाहिए वो बैंक चल रहा है। हाँ पता लगा आपका कोई पहले बैंक में खाता था उस बैंक का, मैं एग्जाम्पल बोलूँ पहले बैंक था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अब वो बन गया पंजाब नेशनल बैंक। आप पता लग रहा है कि गवर्नमेंट बोलते हैं बैंक मर्ज हो गए हैं, आपको अकाउंट पीएनबी में हो गया, आपके पास पुरानी चेकबुक पड़ी है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की, आप उस चेक को साइन करके दे दो, ये कभी कंडीशन नहीं होगी। आपको नया चेक देना होगा जो आज के टाइम में चल रहे हैं, साइंड बाय द ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन होगा? ओनर पर्सन, वो हमेशा साइन करके देगा। इसके बारे में पहले आपको बोला कि एक ड्रॉयर है जो पर्सन चेक बनाएगा उस आप जरूर साइन करके देगा। पेएबल आल्सो ऑन डिमांड, ये चेक जो है डिमांड के ऊपर पेएबल ही होते हैं। जैसे आपने तारीख डाल दी कि 10 तारीख को पास होगा तो 10 को ही पास होगा, पहले नहीं बंदा पास करवा सकता। फिर आती है डेफिनेशन दो दो नंबर में। सबसे पहले ड्रॉयर कौन होता है? जो बंदा चेक बनाएगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा। ड्रॉई कौन होता है? जिसके नाम पे वो चेक बनाया गया। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ नीड्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी बंदे को इमरजेंसी बेस पे जरूरत है ड्रॉई कौन होगा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं बाकी जिसके फेवर में चेक बनाया था उस बंदे की डेथ होगी तो नॉमिनेट कौन है तो वो भी पैसे ले सकता है। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन होंगे? बैंक वाले होंगे जो आपके चेक को एक्सेप्ट करते हैं। आपने किसी को चेक इशू कर दिया बैंक में ले जाएंगे, बैंक एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर ऑफ फॉर होनर, चेक को पास करने की जिम्मेवारी जिस बैंक की होती है उसको बोला जाएगा एक्सेप्टर ऑफ होनर। पेई क्या होगी? वही बैंक जिसका चेक इशू किया गया वो पेई होता है। होल्डर, जिसके पास अपना प्रोमिसरी नोट है, मान लीजिए मैंने एक प्रोमिसरी नोट लिख के आपको दे दिया तो आप क्या हो जाएंगे? होल्डर, आपके पास वो नोट अवेलेबल है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, कई बार ऐसा होता है कि आपके नाम पर प्रोमिसरी नोट बनाया गया आप लेने नहीं आ सके तो आपकी जगह पर आपका चेक किसी को जैसे पहुँचाया गया, तो ड्यू कोर्स का मतलब जितने टाइम का आपके पास नहीं पहुँचता वो होल्डर दूसरा बंदा रहेगा। उसके बाद पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर आपकी पेमेंट लेने के लिए कोई बंदा आपने किसी बोला कोई और बंदा लेके आएगा तो पेमेंट उस बंदे को भी मिल जाएगी, लेकिन ये सब कुछ जो है रिटर्न में ही होना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी बंदे को कुछ भी इसे इशू कर देंगे। बिल और एक्सचेंज में दोनों में डिफरेंस इन्होंने बताए हुए हैं, मीनिंग पहले क्लियर हो गया दोनों रिटर्न में होने चाहिए। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होंगी, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होंगी? 3 पार्टीज होंगी। उसके बाद ड्रॉन बाय, जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो चेक है वो क्रेडिटर के द्वारा बनाया जाएगा, प्रॉमिसरी नोट जो है डेप्टर के द्वारा ड्रॉन कराया जाएगा। लेबिलिटी ऑफ मेकर, अगर कोई बंदा किसी को प्रॉमिसरी नोट बना रहा है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है दोनों की लेबिलिटी है कि पैसे देने की जिम्मेवारी होती ही होती है। कैन मेकर एंड पेई मे बी सेम पर्सन, दोनों में सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं, दोनों में पेमेंट्स अलग होने चाहिए, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर और पेई सेम हो सकते हैं। चेक बनाने वाला अगर बैंक से जाके चेक निकालना चाहे पैसे, मान लो आपके बैंक में पैसे हैं आपने निकालने हैं तो आप चेक बना के बैंक से खुद निकाल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम पर्सन नहीं होंगे, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में नहीं होते हैं, चेक में हो जाएंगे। कॉपीज, बिल कैन बी ड्रॉन, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसकी क्या तो कॉपीज बना सकते हैं, सेम चेक की कॉपीज नहीं बना सकते लेकिन आप अपने फोटो कॉपी करके रखने तो रख सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट की कभी भी कोई कॉपी नहीं होती है, एक ही इशू किया जाता है। डिसऑनर, अगर जो चेक किसी को आपने इशू किया है जो भी उसमें कंडीशन थी अगर वो फुलफिल नहीं होती तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। मान लो जिसके नाम पे इशू किया वो बंदा आया ही नहीं, चेक बैंक में लग गया पास होगा ही नहीं, आपका खाता बैंक में है नहीं तो भी पास नहीं होगा, साइन गलत हो गई, अमाउंट गलत लिख दी गई है, डेट जो है गलत डाल दी गई है तो भी चेक जो है डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास बिल सॉरी प्रॉमिसरी नोट है इसमें जब भी इसको कैंसिल करना है तो जो जो मेकर है वो नोटिस देके कैंसिल कर सकता है कि बाई द वे कुछ कंडीशंस आ गई हैं वैसे नहीं दी जा रही तो कैंसिल हो जाएगा। तीनों में इन्होंने आपके पास डिफरेंस ही लिखा, आप डिफरेंस पढ़ सकते हैं, इसके बाद सेम डिफरेंस ही है। ये भी आपका छोटा सा टॉपिक हुआ खत्म, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। कोई पॉइंट इसमें पूछना हो तो देखिए।